Good morning, my dear student. I am Nanda Parihar. Welcome to this online class. Before the online class start, I hope you all are safe in your home and happy with your family. So, dear students, I already taught you Sanskrit grammar before the online classes. But till now, the book is not available. Sanskrit books is not available till now. So, I am teaching the Sanskrit grammar again. So, let's start a Sanskrit grammar. Okay? संस्कृत ग्रामर शुरू करने से पहले उसका जो बेसिक है वो हम एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि जब हम संस्कृत ग्रामर को स्टार्ट करते हैं तो संस्कृत ग्रामर का लेवल जो है वो टफ होता रहता है। तो शुरुआत हम छोटे स्तर से ही करेंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे वाली क्लासेस आती रहेगी लेवल हमारा टफ होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए। वैसे बच्चों, आप संस्कृत ग्रामर जो है पिछली सिक्स क्लास सेवन क्लास दोनों क्लासों में पढ़ चुके हैं और नॉर्मली जो बेसिक है वो भी आप पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, इजी समझ में आ जाएगा। फिर भी हम एक बार शुरुआत करते हैं कारक से। ठीक है, कारक जिससे क्रिया के साथ में हमारा जो संबंध ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं। जिस शब्द का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ मैंने कारक के चिन्ह ग्रामर के दृष्टि से देखे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो कारक के चिन्ह है वो है, तो यहाँ मैंने कारक के चिन्ह लिखे हैं इस प्रकार है। कर्ता जो कारक होता है उसका चिन्ह होता है ने, कर इसका चिन्ह होता है को, यानी कर्ता ने कर को, करण कारक इसका चिन्ह होता है से, और से जो है वो के द्वारा किसी की हेल्प से या किसी की सहायता से अगर हम काम करते हैं वहां आने वाला जो से होता है वहां पे करण कारक का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले कारक में एक से आपके आगे और आएगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इस जगह पे हमें करण कारक का प्रयोग करना है या फिर अपर कारक। तो ये बच्चे जो सी है यहाँ पर जब हम किसी की सहायता से काम करते हैं तो वो वाला सी है। समृद्धा इसका चिन्ह होता है के लिए, सेंटेंस में जहां पर भी के लिए आएगा है वहां पे हम समृद्धा कारक का प्रयोग करते हैं। अपाना ये देखिए यहाँ पर से आया है, इसका चिन्ह भी से होता है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, जहां पर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है। जैसे मैं कल अपने घर से दिल्ली जाऊंगी तो उस समय मैं अपना घर जो है छोड़ूंगी, यानी अपने घर से अलग जाऊंगी, तो वहां आने वाला जो से है वहां पे अपादान कारक का जो है उपयोग किया जाएगा। इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा करण कारक और अपादान कारक में जो चिन्ह सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है। संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है जो का, के, की, रा, रे, रे। ओके, देन नेक्स्ट अधिकरण कारक, मैं, पे और पर, मैं, पे और पर। इसके अलावा संबोधन भी होता है पर वो कारक की दृष्टि से उसमें नहीं गिना जाता है। संबोधन जो होता है किसी को हम अगर आदर सूचक शब्द से बुलाते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी वो इस कारक की दृष्टि से उसका कोई स्पेशल चिन्ह नहीं है, वो हे अरे उनके लिए यूज में होता है। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, इम्पोर्टेंट जो है आपके आगे आने वाले कारक है जिसके चिन्ह मैंने आपके आगे आगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम अब स वाले फॉर्मेट में। बहुत बार पढ़ चुके हो आप, सिक्स क्लास से आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो स वाला फॉर्मेट आई थिंक आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही इजी होगा, समझ में भी आ चुका होगा आपको। फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ मैं, ये है स, स वाला फॉर्मेट। स का मतलब होता है बच्चों वह, यानी दैट। आप इंग्लिश में पढ़ते हो दिस और दैट, दिस यह, दैट इज वह। तो ये जो है यानी दैट वह, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे स वाला फॉर्मेट यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला स वाला फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। ये यहां मैंने लिखा नहीं है कि आप दो साल से पढ़ रहे हैं से आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एकवचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन। ये जो है एकवचन की लाइन, द्विवचन की और ये बहुवचन की। ओके, स, स का मतलब होता है बहु, और हाँ शुरू करने से पहले ये
बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है वो ये सर कौते ये पुल्लिंग के लिए है, ये तीन वर्ड पुल्लिंग के लिए है। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति, जो पुरुष जाति का बोध करवाता है। ओके, सर यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, स तौ ते वह वे दोनों वे सब पुल्लिंग, ये तीनों वर्ड पुल्लिंग के लिए। अब बारी आती है स्त्रीलिंग, सेम कंडीशन स्त्रीलिंग के लिए भी है। देखो स्त्रीलिंग जो है वो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, तो स्त्री जाति के लिए हम वह के लिए एक वचन में सा का प्रयोग करते हैं, सा ते ता, सा ते ता, सा का मतलब होता है वह, ते वह दोनों, ता यानी वह सब। और स्टूडेंट्स मीनिंग सेम है, आप जानते हो मीनिंग सेम है, वह वह दोनों वह सब, वह वह दोनों वह सब, वह वह दोनों वह सब। बट डिफरेंस इतना ही है कि ये तीनों वर्ड पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे, ये तीनों वर्ड स्त्री जाति के लिए, और ये तीनों वर्ड नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, ता यानी वे सब। नपुंसक लिंग आई थिंक आपको अच्छे से पता है, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो श्वसन क्रिया नहीं कर सकते, लाइक चेयर, फैन, रूम, दे और आदि। ओके, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे जैसे नाम पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में। एश, दिस इज मी, दिस आप इंग्लिश पढ़ते हो, दिस दिस मींस यह। ओके, तो दिस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, एश यानी यह। एक वचन में ये देखिए सेम कंडीशन है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये तीनों वर्ड पुल्लिंग के लिए होंगे, ये तीनों वर्ड स्त्रीलिंग के लिए होंगे, और ये तीनों वर्ड नपुंसक लिंग के लिए होंगे। एश यानी यह, ए तो यह दो, और एते यानी यह सब, एशा यह, एते यह दोनों, एता ये सब, एतत यह, एते ये दोनों या ये दो, एता यानी ये सब। दिस इज फॉर नपुंसक लिंग, दिस लाइन फॉर पुल्लिंग, दिस लाइन फॉर स्त्रीलिंग, एंड दिस इज फॉर द नपुंसक लिंग, डोंट फॉरगेट। ओके, आप जो है और ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा
वर्तमान काल मैं आपको भविष्य काल भी पढ़ा चुकी हूँ, तो पट धातु का वर्तमान काल आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लास्ट प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पर उनके साथ साथ हम उनके साथ लगे हुए शब्दों के बारे में भी देखेंगे। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि पट धातु का जो प्रथम पुरुष है, पट धातु का प्रथम पुरुष आप अच्छे से जानते हो, मे बी एक बार रिवाइंड करके शायद आपको अच्छे से याद आ जाए कि प्रथम पुरुष पट्टि पठत पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसि पठत पठत, और उत्तम पुरुष पठामि पठाव पठामि। बट यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कुछ उनके साथ आने वाले वॉइस को भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। ये है पट्टि, पट्टि का मतलब होता है पढ़ता है, और पट्टि जो है एक बच्चे के साथ में ही प्रयोग में लिया जाता है। तो ये देखिए पट्टि हमेशा स और साथ ही साथ में प्रयोग किया जाता है, फिक्स है, ये चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। पट्टि जो है स और सा के साथ में यूज में लिया जाता है, दैट इज वह पढ़ता है। जैसे देखिए स पट्टि, स शब्द लगा दिया और पट्टि लिख दिया, तो स पट्टि मीन्स वह पढ़ता है। और सेम इज सा का मतलब भी होता है, बट ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो सा पट्टि मीन्स वही है वह पढ़ता है, इसीलिए इस पट्टि का यूज स के साथ है और सा के साथ में हमने इस तरह से कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे छोटे छोटे जो सेंटेंस है वो तैयार हो गए हैं, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेकेंड जो द्विवचन के साथ में आता है वो है पठत, यानी कि पठत जो है वो द्विवचन के साथ में प्रयोग में लिया जाता है, पठन जो है वो हमेशा तव और ते के साथ में प्रयोग में लिया जाता है ना। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे, जैसे देखिए तव और लिख दिया हमने यहाँ पे और पीछे लिख दिया हमने पठन, तव पठन मीन्स वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों पढ़ते हैं। और सेम थिंग्स ये स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते आता है, स्त्रीलिंग में तव आता है, तो यहाँ पर ते और फिर ये वाला वर्ड में वापस लिख दिया, तो ते पठन मीन्स वे दोनों पढ़ती है, स्त्रीलिंग है तो वे दोनों पढ़ती है। नाउ हियर पठंती, आप अच्छे से जानते हैं पठती एक वचन, पठत द्विवचन, और पठंती जो है वो बहुवचन के साथ प्रयोग में लिया जाता है, तो पठंती के साथ में ते और ता, क्योंकि ये भी बहुवचन वाले वर्ड है, के साथ में इन पठंती का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस प्रकार से बनेंगे, ते और फिर पठंती, ते पठंती That means, वह सब पढ़ते हैं, और ता पठन्ति means वे सब पढ़ते हैं, ते यानी वे सब पुल्लिंग के लिए और ता यानी वे सब स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो ते पठन्ति यानी वे सब लड़के पढ़ते हैं और ता पठन्ति यानी वे सब लड़कियां पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपको इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो मे बी यू विल बी कंफ्यूज, सो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि संस्कृत ग्रामर जैसे जैसे लेवल टफ होता जाता है आप उसमें कंफ्यूज होते जाते हो, तो हम धीरे धीरे ही आराम से पढ़ेंगे।